लाइव लाइव पीछे वाले डॉक्टर इसको बन श्री कृष्ण चैतन्य हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे 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 कृष्ण। हम लोग अभी जहाँ पर उपस्थित हुए हैं गुरु वैष्णव के आनंद में, ये स्थान का नाम है अर्धद्वीप। पहले हम लोग ने श्रवण किया था, कभी कुछ संत लोग भ्रमण करते करते पुरी में आए। जब ये पुरी में आए, अभी पहले जो राजा इंद्रदुंद राजा और श्री उनकी जो पत्नी का नाम क्या था, गुंडचा, उनका पत्नी का नाम थी गुंडचा। पहले हर राजा लोग पहले धार्मिक होते थे और सबको उन्होंने धर्म में सबका प्रवृत्ति करा था। इसलिए दुनिया भगवान का बनाया हुआ, भगवान ने दुनिया को बनाया। जिस देश का लोग भगवान की भक्ति करे, भजन करे, भगवान की पूजा पाठ करे ना, वो देश आनंद में रहे, क्योंकि दुनिया उन्हीं का। जैसे घर का मालिक हो, अगर बच्चे अगर मालिक को आदर दे, पिता माता का आदर करे, पिता माता का सम्मान करे, क्या होगा, फिर घर अच्छा है, घर अच्छा है। इसलिए पिता माता खुश रहते हैं, बच्चों को लालन पालन करते हैं। सर उसी तरह दुनिया बनाने वाले भगवान ने, अगर भगवान को कोई मानता है, भगवान की भक्ति पूजा पाठ करता है, पर भगवान दुनिया को खुश रखता है, क्योंकि जिसने दुनिया सब कुछ तुमको दिया, अगर तुम उसको ही नहीं मान रहे हो, पर दुनिया शांति सुख में रहेगा। इसलिए पहले हर राजा रानी लोग धार्मिक होते थे और गुरु जी को, जैसे भगवान ने राम हैं जो कुछ करते थे गुरु जी की बराबर से करते थे, गुरु जी के अनुवर्तन में करते थे। इसलिए उनका देश का नाम था अयोध्या, जहाँ पर युद्ध नहीं होता, जिस देश का नाम था अवध, जहाँ पर कोई वध नहीं होता, जहाँ पर कोई मरते नहीं। इसलिए राजा को जो पता चला सत्य लोग आए हैं, सब जैसे वो कथा सुनने के लिए, तब उन्होंने कथा सुनाते सुनाते सुनाए, बोले हमने तो हर देश को गया, घूमा हर देश में, लेकिन घूमते घूमते एक जगह पर गए तो सबसे हमें बढ़िया लगा। बोले वो कहाँ पर, बोले नील माधव। जैसे श्री वृंदावन में यमुना नदी बहती है कलकल नाद से, वहाँ पर महानदी बह रही, बड़े सुंदर महानदी। जैसे वृंदावन में हैं तमाल वृक्ष है, कदम वृक्ष है, बेली चमेली जो सुंदर वृक्ष है, वहाँ पर भी बड़े सुंदर, वहाँ पर प्राकृतिक जो परिवेश है, प्राकृति का जो रमणीय, बड़ा सुंदर प्राकृतिक परिवेश, बड़ा सुंदर है वहाँ पर। इसलिए वहाँ पर देखा पहाड़ ऊपर, पर्वत ऊपर गिरिराज गोवर्धन, गिरिराज गोवर्धन वहाँ पर विशाल पर्वत है, उसको ऊपर में से नील माधव का दर्शन किया, बड़ा सुंदर ठाकुर जी जिनको चरण से गंगा स्वयं प्रकट होती, गंगा जाओगे ना वो वहीं से चरणा में से देते हैं, उनके चरण से ही गंगा अपने आप पानी निकलती है। कहते हमको तो वो ठाकुर सबसे सुंदर लगे। अभी कथा सुन करके रानी को, राजा का मन में इच्छा हुई, या अगर ये ठाकुर को दर्शन करने के लिए जाए, शिवा हैं, हम दर्शन करने के लिए जाएंगे। कथा सुनकर तो आ गए,
फिर रानी ने राजा को बोला देखो हमने सुना है और नील माधव बड़ा सुंदर स्थान है, हम चलते हैं दर्शन करने का। लेकिन वो कहाँ हमें तो पता नहीं, कल ये संतों को हम पूछेंगे वो स्थान है कहाँ पर, है कहाँ पर। फिर उनका अनुगत्य में फिर हम नील माधव दर्शन करने के लिए जाएंगे। इसलिए अभी उन्होंने जब सवेरे हुआ वो संत है रमते जोगी बहते पाई, वो तो राता रात ही कहीं चले गए। लेकिन जब सवेरे हुआ उन्होंने ढूंढा वो देखा संत लोग है ही नहीं वहाँ पर, संत लोग वहाँ है ही नहीं वहाँ। इसलिए उन्होंने बड़े दुखी हो गए, बड़े दुखी होकर के या हाथ में आया हुआ वस्तु चला गया। अभी वो कहाँ पर वो ठाकुर जी पता कैसे चले और ठाकुर जी कहाँ पर है। तब राजा ने अपना जो सैन्य सामंत बुलाया और चार दिशा में पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चार दिशा में उन्होंने लोग भेज दिया। लेकिन उनका एक पुरोहित था जिनका नाम था विद्यापति, बड़ा चतुर्वेदी था, ब्राह्मण है विद्यापति बड़ा चतुर्वेदी। ऐसे लग रहा था मानो ये ठाकुर जी ये दक्षिण दिशा में रहते हैं, किधर रहते हैं दक्षिण दिशा में, उनको लगा ऐसे जैसे ये ठाकुर जी दक्षिण दिशा में रहते हैं। उन्होंने विद्यापति को वो दक्षिण दिशा में उन्होंने भेजा, बोले तू इसी तरह में जा, देखो जब तक ठाकुर को ढूंढ नहीं लो ना तब तक वापस नहीं आना, ढूंढ करके ही वापस आना है। अभी तीनों दिशा में जिन जिनियों को भेजा था, तीनों दिशा में जिन जिनियों को भेजा था वो सब के सब वापस चले आए। लेकिन जो विद्यापति को भेजा था उसने नदी पर्वत पर्वत नदी सब पार करते 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 दूर रह गए कहाँ ठाकुर जी कहाँ लग। जब एक दिन शाम हो गया अर्थात देखा दूर से टिमटिमाते हुए कुछ लाइट है, कुछ लाइट लाइट मतलब है कुछ गांव होगा। तब वहाँ पर पहुँचे, पहुँचे तो गांव में देखा जो गांव था ना वो भिल्लों का गांव था, हाँ वो भिल्लों का गांव सबर भिल्लों का गांव। तो उन्होंने बोले भैया यहाँ एक रात में मैं रह सकता हूँ, बोले हाँ यहाँ पर एक विश्वावसु नाम एक भील है बड़ा धार्मिक प्रकृति है, आप उनको घर में रह सकते हो। अभी उन्होंने जब उनको घर में गए वो घर में था नहीं, लेकिन उनकी एक लड़की थी जिसका नाम थी ललिता, घर में अकेली लड़की थी ललिता थी। तब उन्होंने जब गए उनके घर में वो अकेली लड़की थी, बोले देखो जब तक पिताजी नहीं आए तब तक आप बाहर बैठे रहो, जब पिताजी आएंगे तब पिताजी को बात करके पहले आप विश्राम करना। तब बैठे हुए थे देर में उसको पिताजी आए, जब पिताजी आए उनके शरीर से कर्पूर अंगूर चंदन हाँ कि बड़ी सुंदर सुगंध भी आ रहा। तो उन्होंने बोले भैया इनके शरीर में बड़ी सुंदर सुगंध भी आ रहे, ये सुगंध कहाँ से आ रहा है, इसलिए उन्होंने कहाँ से ये सुगंध आ रही है। तब उन्होंने उनको ऐसे लगा जैसे ठाकुर जी मिलने वाले, ठाकुर जी हमें यहीं मिलने वाले। इतने में उसने वहाँ पर रुका, रोक करके वो एक दो दिन रुक करके एक दिन उनको जो बेटी थी ना हाँ जो बेटी थी ललिता, तो उनने पूछा तुम्हारे पिताजी रोज चले जाते हैं सवेरे वो आते हैं शाम को और ये कहाँ जाते हैं, जब शरीर से आते हैं बड़े सुंदर सुंदर थी कर्पूर अंगूर का खुशबू आता है कहाँ से आते हैं। तो उन्होंने बोल दिया बोले एक ठाकुर है जिनका नाम नील माधव, वो उनको पूजा करने के लिए जाते हैं। बोले भैया तब मैं तो वही नील माधव को ढूंढते ढूंढते यहाँ पर आया हूँ, हैं नील माधव को ढूंढते ढूंढते आया हूँ, तो यहीं पर ठाकुर जी है। इतने में उन्होंने क्या किया जान बुझ करके ना उनका जो लड़की थी ललिता हाँ जो दिल्ली की लड़की उसको साथ में उन्होंने प्रेम कर लिया, पहले उन्होंने शादी किया हुआ है ब्राह्मण है। लेकिन वो ठाकुर जी को पता लगाने के लिए उन्होंने उसको साथ में धीरे 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 उन्होंने प्रेम कर लिया कि ब्राह्मण घर का देखने बड़े सुंदर लंबी चौड़ी गौरव भरने का थी बड़ा नवजवान सुंदर लड़का था। अभी उनके साथ में प्रेम करके क्या हुई उन्होंने उसके साथ में शादी कर, शादी करके एक दिन वो लड़की उनकी चरण की सेवा कर रही थी, सेवा करते करते तब उन्होंने सही बात बता दी देख तुम
हील करके हो, मैं ब्राह्मण करता हूँ, तुमसे मैं शादी नहीं करता, लेकिन इसलिए शादी किया मैंने राजा इंद्रदुम्न का, मैंने अब पुरोहित हूँ, मैंने ये नील माधव को ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आया है, इसलिए उनकी पता लगाने के लिए ही मैं तेरे साथ में शादी किया, नहीं तो तेरे से मैं शादी नहीं करता। इसलिए तुम्हारा पिताजी को बोलो मेरे को एक बार ये नील माधव को दर्शन करा दें। तो मैंने बोले पिताजी मेरे को बोले थे इसको बोलना नहीं, लेकिन मैं तो भूल से कैसे बोल दिया, पति है ना, भूल से कैसे बोल दिया। तो उसने कहा देखो अगर मेरे को ये नील माधव का पता अगर तुम नहीं लगा सकते ना पिता को, तो मैं नहीं रहूँगा, कभी तुम चले जाऊँगा, मैं जहाँ से आया मैं वहीं चला जाऊँगा, अगर पति छोड़ कर चले जाए, हैं पति छोड़ कर चले जाए, पत्नी तो हमारे भारतीय संस्कृति अब पता होगा, अगर तो उन्हें बोले ठीक है मैं पिताजी को पूछूँगा। तब रात को जो पिताजी आए वो अकेली बेटी, उनकी पत्नी है नहीं, बेटी उनके चरण की सेवा कर ले, सेवा करते करते वो रो रही, पिताजी ने बोले रो रही बेटी रो रही क्यों, तो उन्हें सारे बात बताया, मेरे पतिदेव कह रहे हैं हमें नील माधव दर्शन करा दो नहीं तो मैं यहाँ से चला जाऊँ। तो उन्होंने बोला जब मैंने तुमको कहा था तुझको बोलना नहीं, तुम बोल दिया क्यों, तुमने बोला क्यों, बोले उन्होंने बोले नहीं बोलेंगे तो फिर छोड़ कर मैं चला जाऊँ, हैं नहीं तो मैं जहर खाकर मर जाऊँगी, जहर खाकर के मैं मर जाऊँगी, फिर तो एक ही बेटी है ना, बेटी एक ही है, बोले ठीक है उसको बोल देना मैं यहाँ से जब ले जाऊँगा ना तो ऐसे नहीं ले जाऊँगा, आँखों के ऊपर मैं पट्टी बांध कर ले जाऊँगा, काला पट्टी बांध कर ले जाऊँगा। बोले कोई बात नहीं, तब उन्होंने बोले कि उसको ठीक कोई बात नहीं, मेरा काला पट्टी बांध ले जाए, लेकिन उसको बोले ऐसे कुछ काम करो मैं जब बाद में राजा को ले करके आऊँ पता चलेगा ठाकुर जी कहाँ पर, बोले कोई चिंता मत करो, उनको कपड़े में जो सरसों है ना, सरसों उन्हें सरसों को पोटला में बांध दिया, सरसों बांध दिए, बोले जब आपका आग बंद कर ले जाएगी ना आप छुप छुप करके ये सरिस का जो दाना है आप कैसे ले जाएंगे, बैलगाड़ी में बैठा कर ले जाएंगे, इसलिए तुम सरिस का जो दाना है ना उसको रास्ता में ऐसे फेंकते होते जाना। कुछ दिन बाद में श्रावण की महीना आई, आने पर फिर क्या होगा, पेड़ उगेगा, पेड़ उगेगा तो पता चलेगा तुम किधर किधर से हो, किधर किधर से गए, फिर उन्हें ठीक वैसे कर लिया करके जब वहाँ पर पहुँचा, कहाँ पर नील माधव पर पहुँचा, सचमुच से उनका जब पट्टी खुला ना इतनी सुंदर मंदम नदी बह रही है पास में, गिरिराज गोवर्धन जैसे, और इतनी सुंदर ठाकुर नील माधव, बड़ा प्यारा श्री नील माधव, बोले श्री नील माधव की जय, बड़ा सुंदर नील माधव का दर्शन किया, दर्शन करके मन उसका खुश हो गया, और जो जो विश्वास जो हील थी बोले तू यहीं पर बैठो मैं जा रहा हूँ जंगल से फल मूल लेकर के आऊँगा, ठाकुर जी को श्रृंगार करेंगे, ठाकुर जी का स्नान कराएंगे, फल मूल भोग लगाएंगे और हम यहाँ से चले जाएंगे। रोज जाता तो आता था वहीं पर बैठा हुआ था, वहाँ पर देखा एक एक कुंड है, एक कुंड है देखा वहाँ पर एक बटवृक्ष है, और उसी बटवृक्ष के ऊपर में कौवा बैठ कर के झूम रहा था, झूमते झूमते हटा तो कुंड में गिरा, वो कुंड का नाम था रोहिणी कुंड, जब उसने वो वहाँ पर गिरा, वो गिरते ही ना जो कौवा था चार हाथ हो गया, विष्णु दूत बन गया, और चार हाथ होकर के वैकुंठ से विमान आया, और विमान में बैठी करके सीधा वैकुंठ, सीधा वैकुंठ, बोले अद्भुत कुंड है, गिरते ही पानी में बन गया चतुर्भुज और वैकुंठ सीधा, बोले भैया मैं भी ये पेड़ के ऊपर चढ़ जाता हूँ, चढ़ करके मैं भी छलांग लगा देता हूँ, बस मैं भी वैकुंठ चला जाऊंगा। इतने में उसने वो पेड़ के ऊपर चढ़ा, जब चढ़ रहा था ना आकाश पानी में, बोले सावधान हैं विद्यापति सावधान, तुम जिस काम के लिए आए हो ना, जगत का कल्याण करने के लिए, जगत का मंगल करने के लिए तुम आए हो, इसलिए पहले जो काम के लिए राजा भेजा पहले वो काम को करो, हाँ वो काम को पहले तुम करो वो काम को, इसलिए पहले इसका पता लगाओ राजा को, राजा को लाकर दर्शन कराओ,
पहले जो पेड़ के ऊपर चढ़ रहा था ना नीचे बह रहा है आ गया। इतने में वो जो विश्वावसु जो भेल भील था उसने आया आ कर उन्होंने ठाकुर को अभिषेक कराया, स्नान कराया, गले में फूलों की माला डाली, ठाकुर को भोग लगाया, फल फूल भोग लगा कर फिर वापस चले गए। जब वापस चले गए जाकर उसको तो पता चले गया, फिर उसने राजा को पास में आया। जब उसने राजा को पास में आया इतने में राजा को सारी खबर बोल दिया, मैंने ठाकुर को पता लगा लिया, चलो दर्शन करने के लिए चलो। जब उन्होंने आए और श्रावण का महीना हो चुका था, पेड़ धीरे 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 वृक्ष लगा हुआ था, राजा को लेकर पहुंचे, जब गए ना देखा ठाकुर वहाँ है, ठाकुर वहाँ नहीं। राजा को ये लगा ये भील ने कहीं ठाकुर को घायल कर दिया, छोटे बंदी बना हुआ, इसको बंदी बनाओ हैं, बंदी बनाओ, उसको बंदी बनाया। जब बंदी बनाया इतने में फिर आकाशवाणी हुई, बोले महाराज, बोले महाराज ये जो नील माधव है इसी रूप में और मेरा दर्शन तुम्हें नहीं मिलेगा हैं, तुमको ये रूप में दर्शन नहीं मिलेगा, मैं तुमको फिर लकड़ी रूप में बहते बहते इधर इधर आ जाऊं, इसलिए लकड़ी रूप में मैं बहते 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 ये जो स्थान है ना, मैं यही स्थान पर लकड़ी रूप में बहते बहते यहीं पर आऊंगा, फिर मेरे लकड़ी रूप में फिर मेरे ठाकुर रूप को बनाओ, बना करके दर्शन मिलेगा, लेकिन इस रूप में दर्शन मेरी नहीं हुई। जब आकाशवाणी हुई फिर उन्होंने उनको छोड़ दिए, छोड़ करके जब राजा यहीं पर आए ना, यहीं पर आए ना जहाँ पर हम बैठे थे, जो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मंदिर दर्शन किया, देखा यहाँ पर तीन लकड़ी लगा हुआ है, इस समुद्र में, इस समुद्र में बहते 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 लकड़ी आई और आकर के यहीं पर आकर के ठाकुर जी यहीं पर लगे हुए थे। राजा तो खुश हो गए, खुश हो करके राजा यहाँ से लकड़ी ले जाने के लिए कोशिश की, लेकिन वो लकड़ी इतना भोजन था, इतना भोजन था, टस से मस भी नहीं कर पाए, जब नहीं कर पाए राजा दुखी हो गए, क्योंकि फिर उनकी सपने थे, अपने देखो मेरे लिए सोने की रथ बनाओ, सोने की रथ बनाओ, और जो वो जो मेरे भक्त है, जो मेरे सेवा करता है, इसका नाम विश्वावसु, वो भील को बुलाओ, और जो विद्यापति जिसको भेजा था उसको बुलाओ, ये दोनों जब स्पर्श करेंगे ना, मैं अपनी आप रथ में बैठ जाऊँ, वो दोनों को लेकर के आओ, मेरे भक्त है। फिर उन्होंने वो दोनों को लेकर के आए और सोने की रथ बनाए, उसमें ठाकुर जी को बैठाए, तो जो संत वृंदांग हाँ करताल जो बजाते हैं ना, बजाते बजाते यहीं से कीर्तन करते 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 कीर्तन करते करते यहाँ से ले गए, हैं कीर्तन करते करते ले गए, बोले हरे कृष्णा को बुलाया, बुलाकर इसमें ठाकुर जी बनाओ, भगवान बनाओ, लेकिन वो छेनी हाथुड़ी लाए ना, तो उसमें छेनी हाथुड़ी में काटना चाहते थे, उसमें थोड़ी सी खरोच तक भी नहीं आया, थोड़ी सी दाग तक भी उसमें नहीं आया, कुछ भी नहीं कर पाए राजा, फिर परेशान, उसमें कुछ हो ही नहीं रहा है। फिर स्वयं जगन्नाथ जी एक वृद्ध ब्राह्मण बन करके आए,
हैं, वृद्धा ब्राह्मण बन करके आए। बोले मेरा नाम अनंत महाराणा, महाराणा उड़ीसा भाषा में जो कारपेंटर होता है लकड़ी लकड़ी का जो काम करते उसको महाराणा कहते हैं। मेरा नाम अनंत महाराणा है, इसलिए कि ये ठाकुर को मैं बना दूंगा, लेकिन ये काम करो, एक सुंदर सा घर बना और दरवाजा बंद करना, दरवाजा खोलना नहीं। मैं 21 दिन लगेगी ये ठाकुर जी को बनाने के लिए। वो लकड़ियों को अंदर में रख दिया, बाहर अंदर में चले गए, जैसे लकड़ी को काटते ना खट 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 आवाज होता, लेकिन वो आवाज 14 दिन तक तो आवाज आई, लेकिन 14 दिन के बाद में 15 दिन में आवाज खत्म, आवाज आवाज कुछ आई नहीं चुकी। लेकिन जो रानी थी गुंडी चावल की पत्नी, बोले महाराज ब्राह्मण थे, 14 दिन तक तो लकड़ी काटने का आवाज आई, अब तो कोई आवाज आई नहीं रही है, वो ना वो अंदर में तो मर भी गए, वो ब्राह्मण थे, अगर मर गए ना फिर तो ब्रह्म हत्या के पाप लगेगी, ऐसे ठाकुर बन ही नहीं रहे हैं, फिर ऊपर में ब्रह्म हत्या के पाप है, इसलिए जल्दी जल्दी मंदिर खोलो, हाँ मंदिर खोलो। रानी उतने पीछे पड़ गई, उतने पीछे पड़ गई रानी, उनको मंदिर दरवाजा खुला करके उनको छोड़ा, दरवाजा खोल करके उनको छोड़ा। इसलिए जब उनने दरवाजा खोले ना तोड़ करके, अंदर से तो बंद हुआ, तोड़ कर जब खोले ना देखा अंदर में कोई है, अंदर में जो ठाकुर तीनों ठाकुर है ना, जो तीनों ठाकुर दर्शन कर रहे थे, ऐसे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, इसी रूप में आँख नहीं, हाथ नहीं, कान नहीं, प्यार नहीं, ऐसे ही ठाकुर। राजा इतने दुखी, इतने दुखी हो गए, बोले अभी जो मोटी मोटी का काम हो गई थी, अभी बारीकी बारीकी काम बाकी थी, आँख खोलना है, अंगुल निकालना है, हाथ निकालना है, प्यार निकालना है, अभी ये निकलना था बारीक, पहले मोटी मोटी काम हो गई इसलिए आवाज आ रही थी, अभी बारीक बारीक काम बाकी रह गया था, इसलिए मैंने बोला 21 दिन में खोलना नहीं, इसलिए मैंने 14 दिन में खोल दिया, इसलिए ठाकुर जी आधा रहे, इसलिए इतने दुखी हो गए, मेरे वजह से ठाकुर पूरा नहीं बन पाए, इनका हाथ पैर आँख कुछ हुएगी, ठाकुर के चरण में लेट के खाना पीना छोड़ा, ठाकुर जी मेरा अपराध हो गया, माफ कर दो। फिर उनका आकाशवाणी, बोले महाराज जी ये जो रूप आप दर्शन कर रहे हो ना, ये रूप मेरा यही मेरा नित्य रूप है, इसी रूप में ही मेरे को प्रकाशित होने का था, इसी रूप में प्रकाशित मेरे होने का था, लेकिन जो कुछ हुई मेरी इच्छा से हुई, अगर तुम मेरा रूप देखना चाहते हो एक काम कर लेना। बोले क्या है? कहते मैं स्वयं कृष्ण हूँ, साक्षात नील माधव है, कृष्ण है, श्री बलदेव प्रभु सुभद्रा है, काम करियो, जैसे जब जब रामनवमी आता है सोने के रूप बनाते, सोने की राम लक्ष्मण सीता है, सुभद्रा जी को सीता बना दो, बलदेव प्रभु को लक्ष्मण बना दो, श्री कृष्ण जगन्नाथ जी को राम बना दो, जब कृष्ण का जन्मोत्सव आएगा मेरे को क्या बना, मेरे को क्या बना दो, कृष्ण बना दो सोने में, तो सोने की जब बना करके सोने में बना दो, जब भगवान वामन अवतार होगा मेरे को छत्री कमंडल पकड़वा दो, सब सोने में बना करके, हाँ इसलिए मत्स्य कुर्मा वराह नृसिंह वामन परशुराम राम बलराम बुद्ध कलि, ये जितने सारे रूप है ना, ये जितने सारे रूप है, क्या करो मेरे सोने में बना करके, जब जब तिथि आती है उसी समय में मेरे को श्रृंगार करा दो, श्रृंगार करा के फिर सारे रूप को दर्शन करा, अंडरस्टैंड? In the different roof, they decorate Jagannath in all these Manvantaras. How do we call it? This is the by golden. इसलिए बना दो, इसलिए फिर ठीक है। फिर उन्हें उसको सांत्वना मिली, अभी ठाकुर जी को मंदिर बनाया, जो मंदिर बनाया ना ठाकुर जी का मंदिर बनाया, बना करके अभी जगन्नाथ जी को स्थापन करेंगे, इसलिए उन्होंने बोले किसको द्वारा स्थापन कराएंगे, बोले ब्रह्मा जी से, इसलिए उन्होंने ब्रह्म लोक में गए, ब्रह्मा जी को बुला करके लाएंगे और यहाँ पर ठाकुर जी को स्थापन कराएंगे। जब ब्रह्म लोक में गए यहाँ से, जब ब्रह्म लोक में समय लगेगा, फिर वहाँ का समय और यहाँ का समय में फर्क है। जब ब्रह्मलोक में गए, ब्रह्मा जी को बुला करके लाएंगे और स्थापन कराएंगे, और जब गए ना, और यहाँ पर पता नहीं कितने झूठ झूठ है, पूरा के पूरा जो जगन्नाथ मंदिर देख रहे हो, और जब जो रेती ना रेती है समुद्र का, सारी रेतियों से वो ढक गया, सारी रेती में ढक गया मंदिर, और राजा
एक समय और एक राजा हुए, उनका नाम था लांगुला नरसिंह देव, अनादर राजा। वो एक समय जा रहे थे घोड़े को पीठ बैठ करके जाते जाते जगन्नाथ मंदिर के ऊपर तेरा चक्र है, इतना बड़ा चक्र है और इतना बड़ा दूर से इतना छोटा दिखता, इतना बड़ा चक्र पूरा मंदिर विशाल चक्र है। वो सारी को सारे ढक गया, थोड़ी सी चक्र ऊपर निकला हुआ था। जब वो घोड़े के ऊपर बैठ कर जा रहे थे, हटा घोड़े को प्यार लग गया किसमें, वो चक्र में प्यार लगते ही वो घोड़ा वहीं पर गिर पड़ा। हैं, जब गिर पड़ा राजा बोले लगा कहाँ से, वहाँ पर देखा एक छोटी सी लोहे, तो राजा उतर करके उसको रेती हटाया तो देखा उसको अंदर में धीरे धीरे ये चक्र निकला, जगन्नाथ चक्र निकला। बोले और हटाया, देखा मंदिर जैसे सन्यासाम को बुला करके उन्होंने पूरा, उन्होंने रेती को हटाते जो पूरा जो मंदिर देख रहे हैं ना, पूरा मंदिर निकला। इतना विशाल मंदिर, इतना विशाल मंदिर। अभी वो जो राजा है ना, अभी इसको ऊपर राजा गुजर रहा था, इतना सुंदर मंदिर हमें मुकद था, बिना पैसा का इतना बड़ा मंदिर मिल गया, राजा तो खुश हो गया। राजा खुश हो करके अभी वो राजा क्या कर रहा था, मंदिर के ऊपर राजा तो कर रहा था। अभी जो राजा इंद्रदुम्न जब गए थे ब्रह्मलोक, जब ब्रह्मलोक से वो वापस आए, देखा दूसरा राजा उसको राजू तो कर रहा है। राजा ने कहा ये मंदिर मेरा, उसने कहा तेरा कैसे मंदिर मेरा, अभी तेरे मेरे करके लड़ाई हुई, दोनों में लड़ाई हुई। उसने कहा मैंने ठाकुर को स्थापना करने के लिए ब्रह्मलोक गया था, आते आते इतना दिन हो गया, बोले उसने कहा मैंने इसको संस्कार करवाया, ये मंदिर मेरा है, लेकिन उसको साखी कौन देगा, मंदिर में गए थे ना हमारे साथ, देखना वहाँ पर बट्टा पिटकर देखा इसको नीचे गोपाल रूप में ठाकुर जी अंगूठा चूस रहे, वो अक्षय बैठे हैं, वो बटन वृक्ष कभी भरता नहीं है। देखा उसी बटन वृक्ष के ऊपर में एक एक कौवा बैठा हुआ था, वो कौवा कौन बोले काग भूषुंडी, इतने जुग से वो बैठा हुआ है, वो काग भूषुंडी बैठा हुआ। काग भूषुंडी ने फिर सारी बात बताया, बोले देखो राजा इंद्रदुम्न ने मंदिर बनाया, मंदिर को स्थापना करने के लिए ब्रह्मलोक गए थे, आते आते यहाँ पर लेट हो गया, रेतियों से ढक गया, और तुमने इसको संस्कार किया, तुमने इसको निकाला, लेकिन जो ओरिजिनल जो मंदिर है ना राजा ने, इसने ये मंदिर क्या कर दूं राजा को, मंदिर वापस फिर उन्होंने दे दिया। फिर ब्रह्मा को द्वारा उन्होंने जो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा है ना मंदिर में, ब्रह्मा अपने हाथों से स्थापना किया, प्राण प्रतिष्ठा किया जगन्नाथ, इसलिए उनको छाती में जगन्नाथ वहाँ पर सालग्राम रखा हुआ है, सालग्राम रखा हुआ, उसमें तुलसी पत्ता रख करके कपड़े से जगन्नाथ जी को हृदय में वो रहता है। लेकिन जब 13 साल के बाद में फिर जब ठाकुर जी नव कलेवर होता है, ये शरीर बदल करके ठाकुर के ऊपर नया मूर्ति बनता है, जब नया मूर्ति बनता है उसी समय में ठाकुर का जो हृदय में जो सालग्राम है ना, इतना 13 साल से सालग्राम को और उसमें तुलसी पत्ते के ऊपर रख करके रखते हैं। फिर एक आदमी का हाथ आँख में काला पट्टी बांधते हैं, आँख बंद करके इनके हृदय से लेकर के फिर दूसरे हृदय में स्थापन करते हैं, दूसरे हृदय में जो स्थापन करता है ना, वो ज़्यादा दिन फिर जिंदा नहीं रहता, फिर वो ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रहता, कुछ दिन बाद वो व्यक्ति मर जाता है, व्यक्ति मर जाता है, वो बड़े गुप्त रूप में होता है, आफ्टर सम डे ही बिकम डाई, इसलिए कहते वो मर जाता है वो आदमी। लेकिन 13 साल बाद में देखोगे जो तुलसी पत्ता जो रहता है ना, वो हरी हरी रहता है, वो तुलसी पत्ता को सुनती नहीं, 13 साल बाद में जो पत्ता हरी हरी तुमको दिखे, हरी हरी पत्ता दिखती है। इसलिए फिर उन्होंने जो मंदिर के ऊपर जो झंडा है ना, एक पता का देखो लहरा रही है, फिर उन्होंने झंडे को उन्होंने गाड़ दिए, झंडे गाड़ करके उन्होंने जगन्नाथ मंदिर को उन्होंने जगन्नाथ जी को स्थापन किया। इसलिए जो मंदिर में जो प्रसाद भोग लगता है सब नियम बना कर गए, सब कुछ नियम बना कर गए, ठाकुर जी क्या खाएंगे, कितना बार ठाकुर जी को भोग लगेगा और क्या क्या भोग लगेगा, सवेर क्या भोग लगेगा, शाम को क्या भोग लगेगा, सारा दिन जगन्नाथ को भोग लगता है। जगन्नाथ जी वहाँ पर केवल वो चीज़ जो चलता है, जो भारत में जो चीज़ होता था वहाँ पर जो आलू है ना, वहाँ पर अंदर नहीं घुसता है, यह आलू है विदेश से आया है, मेरी जगन्नाथ मंदिर में नहीं घुसता, क्यों लंका से आया, विदेश से आया है, पपीता नहीं घुसता,
फूलगोभी टमाटर नहीं घुसता है, बंधागोभी बंधगोभी नहीं घुसती है। केवल भारत में पहले जो सब्जी होता था, भारत में जो सब्जी होता था वही सब्जी अंदर में प्रवेश करता है। इसलिए ठाकुर जी को अभी जगन्नाथ जी खुश हो गए, जगन्नाथ जी खुश हो करके बोले राजा इंद्र दुम्न बर्मा दो, मेरे से बर्मा दो क्या बर्मा बांधा चार कर दो। तब मैंने दो बर्मा के क्या दो, ठाकुर जी आप दिन भर खाते रहो आपका हाथ पर सूखने नहीं चाहिए, हर्ष में गिली हो, क्योंकि जैसे अभी अभी ठाकुर जी खाना खाए हाथ धोए, हाथ धो कर अभी ठाकुर का हाथ सूखी नहीं, फिर दोबारा खाना है। अब दिन भर खाते ही रहो, बोले क्यों, बोले आप जितना बार खाओगे ना प्रसाद, आप सब भक्तों को प्रसाद मिलेगा, हैं सबको प्रसाद मिलेगा, और जो प्रसाद पाएगा आप उनका भी कल्याण होगा, उनका भी कल्याण, इसलिए दिन भर खाते रहो। इसलिए छप्पन बार भोग लगता है, हैं छप्पन 56 टाइम भोग लगता है, दिन भर ठाकुर जी खाते रहते हैं। और जो बाजार है ना देखना, अलग अलग समय पर ठाकुर को जो प्योर घी में एक उनको मिलता है, ठीक आनंद बाजार में वहाँ पर जो चीज मिलती है वो असली जगन्नाथ जी को डायरेक्ट भोग लगता है, जगन्नाथ जी को वो डायरेक्ट एकदम प्योर घी में है, वो आते ही लोग छिनाक नगर ले जाते हैं, क्योंकि वो एकदम प्योर घी में भोग लगती है और जगन्नाथ जी उसको डायरेक्ट उनका अंदर में भोग लगता है। इसलिए एक बार बोले दूसरा बार क्या चाहिए, बोले मेरे वंश में कोई जिंदा नहीं रहना चाहिए, मेरे वंश में कोई सब मर जाए। बोले क्यों, बोले ऐसे क्यों कह रहे हो, बोले अगर मेरे वंश में कोई जिंदा रहेगा ना बाद में आएगा तो वो मंदिर के ऊपर में अपना अधिकार को स्थापना करेगा, बोले मंदिर मेरे पिताजी ने बनाया, नहीं तो मेरे पिताजी पिताजी मंदिर का मालिक है, भाई मंदिर का मालिक हम, मंदिर का मालिक है, इसलिए अधिकार करेंगे। इसलिए बाद में ठाकुर जी की सेवा पूजा में बाधा होगा, इसलिए मेरे वंश में कोई नहीं रह सब मर जाए। राजा तो खुश हो, ठाकुर जी खुश हो, हाँ उसने इतना बड़ा मंदिर बनाया, वो कहते हैं मेरे वंश में कोई रहे नहीं, मेरे वंश सब खत्म हो जाए, साधारण बात है, साधारण बात है। फिर तो राजा ने आशीर्वाद दिया, ठीक देखो कैसे ही होगा, हाँ कैसे ही होगा। इसलिए उन्होंने भी राजा को कुछ वरदान दिया, आपने देखो जब मेरे को मंदिर से नीचे ले आएंगे, जब रथ यात्रा होता है ना मंदिर से जगन्नाथ को ले आते, कैसे ले आते हैं जगन्नाथ को, नीचे कपड़े बांध देते हैं, कपड़े बांध करके हैं उसको उठा उठा करके नीचे, जैसे घिसड़ते घिसड़ते ले जाते हैं ना उनको, ऐसे ही जो बहुत बड़े जगन्नाथ जी है ना बहुत बड़े, उनको उठाना इतना आसानी बात नहीं, अब जरा उनको इतने बड़े हैं 50 लोग, अब देखा जब जगन्नाथ जी ले जाते 50 लोग लगे हुए रहते, किसी तरह से वहाँ से नीचे से उतर उतर 50 लोग लगे हुए रहते, उनको उठाना कोई साधारण बात नहीं, इसलिए उनको पकड़ करके धीरे 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 ऐसे ऐसे हिला हिला करके नीचे ले जाते हैं। कहते मेरे को जब ले जाएंगे मेरे को तो मिट्टी में, मिट्टी को ऊपर में ऐसे हिला हिला कर ले जाएंगे, लेकिन तुमको जब लेने के लिए जाएंगे जब तुम आ करके मेरे मंदिर को चारों तरफ में झाड़ू नहीं लगाओगे तब तक मेरी रात नहीं चलेगी, तब तक मेरी रात नहीं चलेगी। इसलिए लेकिन मैं तो मेरे को घिचड़ते घिचड़ते लाएंगे, लेकिन तेरे को ना पालकी में बैठा कर लाएंगे, तेरे को पालकी में बैठा करके लाएंगे, तो मेरे सर को कहना तेरी वजह से मैं स्थापन हुई, और जब मेरे को ले आएंगे ना मेरे सामने एक छतरी रहेगा, लेकिन जब तेरे को ले आएंगे तो तुम्हारे सामने दो छतरी रहेगा, तुम्हारे सामने दो छतरी रहेगा तुम्हारे सामने, हैं इसलिए मेरे से ज़्यादा पूजा सुमान नहीं, जब तक ये दुनिया रहेगा तब तक तेरे नाम दुनिया में अमर रहेगा, दुनिया में तुम्हारे नाम तुम्हारी अमर रहेगा, नाम कभी तुम्हारे जगत में मिटेगा नहीं। बोलो महाराज इंद्रदुम्न की जय, ब्रोच जोर से बोलो महाराज इंद्रदुम्न की जय। इसलिए उन्होंने ये वरदान दिए, और राजा ने देखा अभी सारा दुनिया तो मेरा जय जयकार करे, अब जयकार किसका कर रहे थे, किसका कर रहे थे, महाराज इंद्रदुम्न की जय जय। लेकिन ठाकुर प्रकाशित क्यों हुए, मेरे वजह से नहीं, मेरे पत्नी की वजह से हुए, किसकी वजह से हुए, पत्नी की, पत्नी ने मेरे को देखो ना एक हट होता है,
एक होता है बाल हट, एक होता है स्त्री हट, एक होता है जोगी हट, समझ रहे। बाल हट मतलब बच्चे जब हट करते हैं, अंडरस्टैंड, यू नो हट इज द हट। हट मीनिंग दिस इज द, क्या बोलते हैं हट को, और जी आई एम वांट दिस थिंग, यू नो सम बाय व्हेन डूइंग सम, ओ आई वांट दिस, ओ मदर माय वांट दिस, अनलेस अनलेस इट फुलफिल दिस डिजायर वुड बी मूविंग, दिस इज द हट मीनिंग, ओ आई वांट दिस, आई वांट दिस, आई फुलफिल माय डिजायर, दिस इज द हट। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, जिद जिद करना। अरे अंग्रेजी में क्या बोलते हैं हट को, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं सब पे, हिंदी लोग तो समझ जाते, समझ जाते ना, इसलिए एक बाल हट होता है। बाल हट मतलब क्या, जब बच्चे जब जिद करते हैं ना भैया हम, आप देखना जब तक उसको इच्छा पूरी नहीं कर लोगे ना, बच्चा रोता रहेगा रोता रहेगा रोता रहेगा, और नहीं हमें ये चाहिए हमें ये चाहिए, लड़ पड़ते बच्चे बच्चे में लड़ पड़ते, उसको कहते बाल हट। एक होता है स्त्री हट, स्त्री हट मतलब जानती हो, पत्नी अगर पति से बोला हमको ये चीज चाहिए, जब तक तुम उसका इच्छा पूरी नहीं करते थे ना, तब तक मुंह मोड़ कर बात करेगी, रोटी फेंक कर देगी, करती है ना, ठीक नहीं करती, कही क्यों की हो ना, जब तक उसकी इच्छा पूरी नहीं करते तब तक वो चैन में रहने नहीं देती है, ये चैन में तभी देगी। पत्नी पत्नी हर बड़ा जोर जोर, पत्नी पति बोलता है मैं तेरे बढ़िया सुंदर अलंकार बना के दूंगा, तेरे लिए बढ़िया साड़ी ले दूंगा, हाँ ये ला दूंगा, अगर नहीं इच्छा पूरी कर दबा दूंगा, स्त्री हट कहते हैं। और एक हट होता है जोगी हट, जोगी हट मतलब साधु, साधु का हट है, उनका क्या हट है, भगवान को प्राप्त करके ही रहेंगे, जब तक भगवान हमें नहीं मिलेंगे तब तक हम ठाकुर को चैन में रहने नहीं देंगे, ऐसे बैठ जाएंगे भजन करने के लिए, जब तक ठाकुर जी प्रकट नहीं होता है ना तब तक अपना भजन को छोड़ दे, ठाकुर जी जब दर्शन दोगे खाना खाऊंगा, नहीं तो खाना खाऊंगा नहीं है, इसलिए इसको कहते जोगी हट कहते हैं। उसमें जो एक, इसमें जो एक हट होता है जो पत्नी हट है, स्त्री हट है, लेकिन वो हट अगर भक्ति के लिए हो तो बढ़िया है, दुनियादारी के लिए तो हमें अलग अलग क्यों नहीं दिया, साड़ी हम ऐसे ही साड़ी चाहिए, हम ऐसे साड़ी नहीं पहनेंगे, तुम ऐसे साड़ी क्यों ला दिया, ऐसे हमें सूट सलवार चाहिए, हम ये पसंद नहीं है, इसलिए अब स्त्रियों को दुकान में ले जाओ ना, पूरा दुकान का सारे जितने साड़ी सलवार को सब उतार दूंगी, देख एक देख कर फर्स्ट क्लास में कुछ भी पसंद नहीं कर दिया, अब वो लेकिन कहते हैं स्त्री हट है, हाँ साड़ी, इसलिए कहते स्त्री हट है, अगर वो स्त्री हट अगर भक्ति के लिए हो ना, नहीं चलो हम चलो वृंदावन जाएंगे दर्शन करने, चलो हम साधु संघ में जाएंगे, हैं साधु ठाकुर जी के, ठाकुर जी के लिए ऐसे कपड़े लेकर के आओ, ठाकुर जी का भोग ऐसे बनाओ, भगवान की ये चाहिए, अगर वो हट अगर भक्ति के लिए हट हो जाए फिर भगवत प्राप्ति, वो हट ठीक है लेकिन वो हट किसके लिए होनी चाहिए, भक्ति के लिए, अपना लिए हट नहीं, हम ऐसे साड़ी पहने के ऐसे कपड़ा पहने उसके लिए हट नहीं, ठाकुर जी के लिए ये चीज लाओ, हमारा लिए भले ही बदलाओ, ठाकुर जी के लिए ऐसे कपड़ा ले आओ, ठाकुर जी के लिए सुंदर कोई फल ले आओ, ठाकुर जी के लिए, ठाकुर जी के लिए कोई चीज ले आओ, अगर वो हट अगर भगवान के लिए हो ना फिर तो वो हट सही, अगर ये दुनियादारी के लिए हट किया तो इसका कोई महत्व नहीं। लेकिन रानी ने हट की, क्या हट की रानी ने, हमको नील माधव दर्शन करने चले, उनको पता लगाओ ठाकुर जी कहाँ है, नील माधव कहाँ है, इसको पता लगाओ है, इसको पता लगाओ, बाद लास्ट में पता लगाया कौन प्रकट हुई उसके लिए, उन्होंने हट से किया ठाकुर को प्रकट कर, लास्ट में कौन हट से क्या प्रकट हुए, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा प्रकट हुए, ये ठाकुर जी प्रकट हो गए और सारा दुनिया की कल्याण हो गया, सारा दुनिया की कल्याण हो गया, मंगल हो गया सारा दुनिया की, इसलिए राजा ने सोचा सारा दुनिया तो मेरा नाम लेंगे लेकिन जो ठाकुर जी प्रकट हो गए मेरे लिए नहीं, मेरे पत्नी के लिए प्रकट हो, मेरी पत्नी के लिए प्रकट हो गई, इसलिए उनका भी कोई स्मृति रहनी चाहिए, इसलिए उनके नाम से और एक मंदिर बना दिया, हम गए थे ना कल गए थे ना, कल गए थे ना, परसों परसों गए थे, परसों गए थे,
हाँ परसों गए थे वो तो गुंडिचा मंदिर दर्शन करने के लिए गए थे वहाँ पर वो उनका इसलिए उनका नाम पर उन्होंने मंदिर का नाम रख दिया गुंडिचा मंदिर। बोले श्री गुंडिचा मंदिर बोले श्री गुंडिचा देवी बंद कर बोले श्री गुंडिचा देवी की जय। इसलिए हरी कथा सुनो बात में इसलिए उन्होंने ठाकुर जी जो प्रकट हो गए ना ठाकुर जी इसी रूप में ठाकुर जी प्रकट हो गए मंदिर स्थापना हो गया। अभी प्रश्न आता है ठाकुर जी ऐसे क्यों रूप जिनका आंख नहीं जिनका हाथ नहीं जिनका प्यार नहीं ठाकुर जी ऐसे क्यों प्रकट हुए। इसलिए इसको पीछे दो कारण आ रहे हैं इसके पीछे दो कारण इसका पीछे सुनने को मिलता है मतलब दो कारण किया है दो बार ने किया फिर सबकट छुड़ा देता हूँ टाइम हो गया। तो पहला कारण बताए बता सकते हो पहला कारण इधर आप फिर सुना ठीक से बोलो हमारी कथा वीडियो हो गया सुना गुरुदेव के अनुगत में हम जिस स्थान पर आए वो है स्थान का नाम है चक्रतीर्थ। तो हमारे गुरुदेव जो बता रहे थे कि भगवान जगन्नाथ जी ने ये रूप क्यों लिया इसके दो कारण इसका जो सबसे पहला मूल कारण बताया गया है कि बताया गया जब भगवान कृष्ण द्वारका में थे तो द्वारका में जो उनकी 8 पटरानियाँ थी उन्होंने देखा कि भगवान कृष्ण रात को रोते हैं और रात को कहते हैं हे ललिते हे विशाखे विशाखा हे राधे। तो उन सबके मन में शंका हुई कि ऐसा क्या है हम इतनी 1108 पटरानियाँ हैं 16108 पटरानियाँ हैं और हम भगवान की इतनी सेवा करती हैं भगवान की इतनी सेवा करती हैं तब भी भगवान जब रात को सोते हैं तो इनके मुख से एक ही नाम निकलता है हे ललिता हे विशाखा हे राधे। तो कहता है ऐसा क्या था कि उन गोपियों में जो कृष्ण अभी भी गोपियों को याद करते हैं क्या हम उनकी सेवा नहीं कर पा रहे इतनी अच्छी से हम उनकी इतनी सेवा करते हैं उनके लिए इतना सब कुछ करते हैं तब भी वो हमेशा क्या करते हैं ललिता विशाखा गोपी ये सारे गोपियों का नाम लेते रहते हैं तो ऐसा क्या है। तो कहते हैं हमें पता करना चाहिए कि जो गोपियाँ थी उनमें ऐसा क्या था कि भगवान कृष्ण अभी भी उन्हें याद करते हैं उन्हें भूल नहीं पाए तो क्या किया जाए तो पता कैसे पता करें। तो सब लोगों ने बातें की कि किससे पूछा जाए तो डिसाइड हुआ कि हम पूछेंगे अपनी माता से बलराम जी की माता से वो हमें बताएगी कि भगवान कृष्ण ब्रज में कैसे रहते थे और गोपियों के साथ उनका कैसे संबंध था क्या भाव था कैसे वो रहते थे और क्या क्या नित्य उनकी लीलाएं थी। तो उन्होंने कहा ठीक है तो उन्होंने रोहिणी माता के पास गए और उनसे आग्रह किया कि आप हमें बताइए कि भगवान कृष्ण ब्रज में जब रहते थे तो कैसे रहते थे और वो क्या करते थे कैसे उनका रहन सहन था क्या उनकी लीलाएँ थी तो हम ये सब हमें बताइए। तो रोहिणी माता ने कहा कि मैं एक शर्त पे बताऊंगी। उन्होंने कहा क्या शर्त है तो उन्होंने कहा मेरी शर्त यह है कि अगर जब मैं कृष्ण और बलराम के बारे में बताऊंगी तो जहाँ भी भगवान की कथा होती भगवान वहाँ स्वयं पहुँच जाते हैं तो लेकिन अगर मैं जब उनकी कथा बताऊंगी तो अगर वो सुनेंगे कि गोपियों की अभी क्या स्थिति है या वो कैसे रहते थे तो उन्हें ये जान के बड़ा दुख होगा है तो मैं नहीं चाहती कि वो ये सब बातें सुने तो उसके लिए क्या किया जाए। तो उन्होंने सब लोगों ने डिसाइड किया कि हम एक काम करते हैं तो भगवान कृष्ण और बलराम जी की छोटी बहन सुभद्रा जी को बुलाएंगे क्योंकि तो हम में से कोई उन्हें रोक नहीं पाएगा उन्हें सिर्फ कोई रोक सकता है तो कौन रोक सकता है उनकी बहन रोक सकती है सुभद्रा जी दी। तो उन्होंने सुभद्रा जी के पास गए और उनसे अनुग्रह किया कि हम सब लोग भगवान कृष्ण के बारे में जानना चाहते हैं रोहिणी माता से तो आपको क्या करना है आपको गेट पर पहरा देना है कुछ भी हो जाए भगवान कृष्ण और बलराम कैसे भी होके ये कथा ना सुन पाए कि हम क्या बातें कर रहे हैं और रोहिणी माता क्या ऐसा ही हुआ। वो सब लोग एक कमरे में एकत्र हो गए और रोहिणी माता ने सब कुछ बताना प्रारंभ किया कि कैसे ब्रज में भगवान कृष्ण लीला करते थे क्या उनकी स्थिति थी क्या वो लीला करते थे और भगवान कृष्ण और गोपियों का क्या संबंध था और कृष्ण भगवान के जब द्वारका जाने पे गोपियों की क्या स्थिति है कैसे नंद बाबा कैसे ग्वालवाल बताता है बताया गया कि वहाँ नदियाँ बहती हैं छोटी छोटी नदियाँ नाले बहते हैं तो किन के बाद बहते हैं वो गोपी गोपियों नंद बाबा और यशोदा मैया के आंसुओं की धारा बह रही है तो इतने और बताया गया कि वहाँ
जो चूल्हा है ना, चूल्हा जिसमें खाना बनता था, जैसे जब से कृष्ण गए तब से उसमें कोई भी खाना नहीं बना, उसमें मकड़ी का जाला लग गया है, मतलब इतना विरह। तो भगवान कृष्ण और बलराम जब उन्होंने देखा कि सुभद्रा देवी कुछ गेट पे खड़ी है और ऐसा कुछ अंदर मीटिंग हो रही है, तो उनकी छवि जानने की कि अंदर क्या हो रहा है, तो उन्होंने पास जाके गेट पे कान लगा के सुनना शुरू किया। ये बातें सुभद्रा देवी भी सुनने लगी कि भगवान कृष्ण और बलराम की क्या लीलाएं थी, कैसे गोपियों और ब्रजवासियों का क्या विरह है। तो ये सुनने के लिए भगवान कृष्ण, बलराम और यशोदा देवी जब सुनने लगे ये वहाँ पे गेट पे, तो जब भगवान कृष्ण और बलराम जी और सुभद्रा देवी ने जब सुना गोपियों का विरह और ब्रज की स्थिति, तो वो द्रवीभूत हो गए। द्रवीभूत यानी उनका शरीर पिघलने लगा। तो बताया गया कि भगवान कृष्ण का जो रूप था उस समय उनके हाथ अंदर हो गए, पैर अंदर धस गए, आंखें जैसे विस्मय हो जाता है ना कि आश्चर्य से किससे, उनकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। तो सुन के अच्छा ऐसा हो गया जैसे होता है कभी सुनते ना अचानक कि क्या हो गया। तो ये सुनने से कृष्ण बलराम सुभद्रा देवी की आंखें बड़ी बड़ी हो गई और जो गोपियों के भाव को सुना उन्होंने, उनका क्या स्थिति उनको सुन के उनके हृदय और पूरा शरीर पिघल, यहाँ तक कि सुदर्शन चक्र जो गोल बताया गया है वो भी पिघल के लकड़ी के रूप में सीधा बिल्कुल वैसा हो गया। तो जब ऐसा हो गया तो भक्त उस वहाँ पर नारद जी प्रकट हुए। तो नारद जी ने जब वो रूप देखा तो नारद जी की इच्छा हुई कि नारद जी ने देखा ये तो रूप भगवान ने आज तक किसी ने देखा ही नहीं। तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि इस रूप का दर्शन सब लोग करें, मैंने जो दर्शन किया है इस रूप का दर्शन सब लोग करें। तो भगवान कृष्ण ने उनका कि मेरी आँखें विस्मय हो गई है, शरीर पिघल गया है, अंदर धस गया है, तो ये वही रूप है। तो जगन्नाथ जी के आने का कलयुग में ये कारण था। जय जगन्नाथ महाप्रभु की जय। ये एक कारण है जगन्नाथ जी ऐसे क्यों बने, अपना कथा सुनते सुनते भगवान कथा कितने मीठा है, भगवान की कथा इतने मधुर है, भगवान अपना कथा सुनते 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 कन्या जब बंसुरी बजाया करते थे क्या सुंदर मिट्टी थी अंजलि की आवाज है, जमुना उल्टी बहने लग जाती थी, पेड़ से मधु झरना शुरू हो जाता था, चंद्रमा जहाँ से तहाँ खड़ी हो जाती थी, पत्थर पिघल जाता था, पानी पत्थर हो जाता था, कोयल कू कू करना छोड़ देते थे, मयूर के का करना छोड़ देते थे, गैया घास खाना भूल जाते थे, बछड़े दूध पीना भूल जाते थे, ऐसे उनकी बंसुरी की आवाज। और भगवान जो रास रचा है ना, भोले बाबा भी शंकर भी गोपी बनकर के आ गए, शंकर जी गोपी रूप में बनकर के सामने आ गए। जब उन्होंने ये सब कथा सुनाया, सुनते सुनते कृष्ण कथा इतना मीठा, कृष्ण कथा इतना मीठा, कृष्ण कथा कृष्ण स्वयं सुनते सुनते अपनी कथा सुनते सुनते ठाकुर जी कैसे रुको। और नारद जी आए और नारद जी आकर बड़ी जोर जोर से कीर्तन करना शुरू कर दिया, बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद बोला। इतने प्रसन्न हो गए, प्रसन्न होकर के बोले देखो नारद जी बड़े दिनों में मैंने अपना वृंदावन की कथा सुनी, ब्रज गोपियों की कथा सुना, सखाओं की कथा सुनी, मैया यशोदा कैसे मेरे को उखल में बांध देती थी और मैया जब बोलती थी मैंने मक्खन खा लिया ना, अरे मैया बोलती लाला तेरे मक्खन खाई, मैं डर से बोल देता था, क्या बोलता था, बोले मैया बोरी
मैं नहीं मान था भैया मोरी मैं नहीं मान इसलिए डर से कृष्ण बोल देते मैया मैंने मकर नहीं खाई। इतने सुंदर ठाकुर जी लीला की है, ठाकुर जी इतने खुश, इतने ठाकुर जी खुश थे। देखना एक व्यक्ति को कोई चीज मांगना हो ना, जैसे पति को आप लोग कुछ मांगती हो, पति हम ये चाहिए हम जगन्नाथ पूर जाएंगे, कब जा कब बोलते हो? जब वो खुश रहते, जब नाराज रहते ना उस समय कोई चीज नहीं मांगनी चाहिए, फिर तो ऊपर डंडा बन जाएगी, डंडा बन जाएगी ना पति को बना तुम्हारे, कब बोलोगे? जब उनको बढ़िया बढ़िया खाना खिलाते समय उनको रोटी रोटी गर्म, जब वो खुश होकर देखता ना जब प्रसन्न है, उसी समय समय दे करके पत्नियां पति से बोलती हमें ये चीज चाहिए। और भूषा से अगर बोल दिया ना भूषा के समय क्या होता है, क्या हुआ झंडा हो गया ना। इसलिए जब कोई व्यक्ति खुश हो, जब कोई व्यक्ति खुश हो उसको कोई चीज मांग लो लट्टी, इसलिए समय देख कर बोलनी चाहिए। ठाकुर जी बड़े खुश थे, बोले वर्मा को क्या चाहते हो, बोले वर्मा को क्या चाहते हो, बोले प्रभु जी अभी ये जो रूप धारण किया है, अभी ये जो रूप आपने धारण किया है, ये रूप हमने कभी देखा ही नहीं, थोड़ा बड़ा सुंदर अपना कथा सुनते सुनते प्रेम में आप ये बड़े सुंदर रूप धारण किए, हमें वरदान देना चाहते, एक ही वरदान हमें दो, ये जो रूप अपने दर्शन दिलाया कलयुग में इसी पुरी में जगन्नाथ मंदिर में, आप इसी रूप को लेकर के आप पुरी में क्या करना, इस रूप को लेकर के सबको दर्शन देना। अगर ये रूप के द्वार कोई दर्शन करना उनको ये आशीर्वाद दो जिस जगत में और जन्म मृत्यु नहीं हो, ये जन्म मृत्यु से मुक्त होकर के सीधा भगवान की धाम को बोलो को वृंदावन को प्राप्त हो, हम ये वरदान दे भगवान खुश थे। मैं श्री जगन्नाथपुरी के तरफ में इस रूप को लेकर के मैंने सबका दर्शन दूंगा, सबका मैं कल्याण करूंगा। बोले जय जगन्नाथ महाप्रभु की जय, श्री सुभद्रा देवी की जय, श्री ताऊ भैया की जय, कृष्ण कन्हैया की जय, दर्शन चक्र की जय, पिताजी गौर प्रेमानंद की जय। देखो ये एक कारण है जगन्नाथ जी ऐसे क्यों, उसका दूसरा कारण है, दूसरा कारण सुन लो क्यों हुए। एक बार क्या हुआ, कृष्ण जब द्वारका में थे 16,100 रानियों को साथ में प्रभु लीला कर रहे थे, करते करते एक दिन उन्होंने वृंदावन का चिंता करते करते राधा रानी पर इतने प्रेम करते, राधा रानी मुझे इतने प्रेम करते, उनका प्रेम की तब बात हम तो बोल नहीं सकती, कितने दिन से प्रेम करती थी राधा रानी पर, गोपियां कितने प्रेम करती थी। बोले श्याम सुंदर तुम्हारी जो सुंदर चरण कमल है, जो मेरे हम बख्य स्थल में धारण करने के लिए हमें डर लगता है, लेकिन उसी चरण से आप वृंदावन में गैया को पीछे 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 ढूंढते रहते हो, कंकड़े नुकीले नुकीले पत्थर होते हैं, आपका कांटा होता होगा, अब कितने कष्ट होगा, आपकी व्यथा को सोच सोच करके हमारा मन विचलित हो जाता है। ठाकुर जी तुम्हारे चरण कितने सुंदर हो, इसलिए ठाकुर जी इसलिए कितने प्रेम गोपियां करती थी, इन लोगों ने मेरे को प्रेम करने के लिए भाई बंधु पुत्र परिवार सब को केवल मेरे को एकांत रूप में उन लोगों ने प्रेम किया है, ऐसे उन लोगों ने मेरे को प्रेम किया। जब उनकी प्रेम की बात सुनते थे और मैया जसोदा है, कितने मैया जसोदा अच्छी है, कन्या को बार बार मक्खन खिलाती, मेरे लाला को भूख नहीं लग जाए, मक्खन खिलाती, गोद में सुलाती, प्यार करती है, लाड़ लड़ाती है मेरे को, मेरे कितने मैया अपना को पता होगा बच्चों को माँ कितने प्यार करती है, कितने मैया हमें प्रेम प्यार करती, सखा लोग तो कितने प्यार करते सखा लोग। अगर मैं थोड़ी सी आगे चले जाऊँ ना, बोले कन्या को कौन जल्दी पकड़ता है, कन्या को कौन जल्दी कन्या को पकड़ता, भागते हुए आकर के कोई बोलता है कन्या को मैंने पकड़ लिया पहले, किसने कहा तेरे से पहले मैंने कान्हा को पकड़ लिया, किसने कहा तेरे से मेरे को कान्हा को मैंने पकड़ लिया, इतने कृष्णा सखाओं को साथ में। कोई अगर बढ़िया मीठा फल मिल गया ना, मीठा भी फल मैं पर कन्या फल बड़ा मीठा, बोले सारे तो अकेले खाओ मेरे को नहीं, छीन करके खाते, और कोई फल मिला तो पहले खा लेते हैं उसको, बाद भी कृष्ण को देते हैं। बोले क्यों, बोले अगर फल अगर जहरीला होगा तो, अगर फल अगर अगर फल अगर कड़ुआ होगा तो कन्या को देखे पहले खा करके देखो, मीठा फल होगा तो कन्या को या पहले खा करके फिर कृष्ण को वो फल देते थे।
कृष्ण जब सोते थे कभी कभी सखाओं के जंगल के ऊपर में सर रखकर के सो जाते थे। ये कृष्णा जब उन्होंने इतनी ब्रजवासियों का चिंता करते करते, ब्रजवासी मुझे इतने प्यार करते, प्राण से भी ज्यादा मेरे को प्यार करते हैं। कृष्ण जब कालिया हरद में कूद पड़े सारे ब्रजवासी बोले कान्हा के बगैर हम प्राणी धारण नहीं करेंगे, उनके बगैर प्राण तो वृथा है। इसलिए उन्होंने पूरा के पूरा कालिया हरद में प्राण देने के लिए छलांग लगा दिया था। बोले कान्हा के बगैर हम प्राण नहीं धारण करेंगे, हम प्राण कैसे धारण करेंगे। इसलिए सखा लोग तक श्रीदाम भैया था ना, श्रीदाम भैया उसने तो बोले कान्हा तू कब आओगे, तू जा रहे हो हमको छोड़ करके, तेरे बगैर तो हमारा मन नहीं लगेगा, हम किसको साथ में खेलेंगे, किसको साथ में कूदेंगे, तू कैसे। अरे देखो मैं आज जा रहा हूँ, कल कंस को उधार करके परसों आ जाऊँगा। वो जो श्रीदाम भैया है ना, वो एक पेड़ को नीचे बैठे तो द्वापर युग से एकदम कृष्ण चिंता में ऐसे डूब गए, द्वापर डूब कर तो कल युग आ गया तब भी वहीं पर बैठे, कहीं आएगा तो आएगा। गिरिराज की परिक्रमा करते हैं ना, वहाँ पर गए है कुछरी की लोठा, कहते लोठा नाम का सखा था, हाँ लोठा नाम का। बोले कान्हा तू कब आओगे, बोले मैं परसों आ जाऊंगा, अभी तक भी बैठा हुआ। कान्हा कभी झूठ नहीं बोलेगा, कान्हा जरूर आएगा, अभी तक भी बैठा हुआ। इसलिए मेरे को ये कितने प्रेम करते हैं ब्रजवासी। एक दिन कृष्ण ये चिंता करते 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 कृष्ण एक दिन बेहोश, कृष्ण क्या हो, कृष्ण बेहोश हो गए। जो बेहोश हो गए अभी सोचे भैया अभी कृष्ण को होश कैसे कराया जाए। इतने में नारद जी आए, बोले नारद जी को, बोले नारद जी आप ब्रज का कीर्तन करो, कृष्ण होश होगा। बोले देखो अगर कृष्ण की होश आ गया ना, अरे कृष्ण यहाँ नहीं रहेगा, वो सीधा चले जाएगा हैं वृंदावन चले जाएगा, क्योंकि जो वृंदावन का जो प्रेम है वो सर्वश्रेष्ठ प्रेम वृंदावन का प्रेम है, उनका जैसे प्रेम दुनिया में किसकी है नहीं। इसलिए अगर उसका होश आया तो सीधा वृंदावन चला जाएगा। बोले क्या किया जाए। बोले एक काम करो किसी एक व्यक्ति को वृंदावन में भेजो और उनको बोलो कृष्ण आने वाले हैं। उनको बोले आने वाले, फिर कृष्ण को भुला भुला कर वापस कृष्ण को हम ले आए। बोले किसको भेजे, बोले उद्धव जी को। उद्धव जी बड़ा बुद्धिमान है, बड़ा चतुर उद्धव जी, ये उद्धव जी को भेजो, ये उद्धव जी जा करके समझाएगा। जब उन्होंने उद्धव जी को बोले, उद्धव जी बोले भैया मैं नहीं जा सकता। बोले क्यों, बोले कृष्ण मेरे को भेजे थे, कृष्ण मेरे को एक बार वृंदावन में भेजे थे और मैंने इनका दूध बनकर गया था, हैं दूध बनकर गया था और मैंने ब्रजवासियों का विरह को मैंने देखा, ब्रजवासी कितने दुखी मैंने देखा, इतने दुखी। कृष्ण जब से ब्रज छोड़ करके आए ना, कोयल कू कू नहीं करते, मयूर के का नहीं करते, मैया यशोदा तो बेहोश होकर पड़ी, उसकी होश नहीं थी। इनकी घर में मकोड़े जाल बना दिए, खाना ही नहीं बनता है, कोई खाना ही नहीं खाते, और इतने रो रहे थे ब्रजवासी, इतने रो रहे थे। इनकी रो रहे जो इतना पानी आंखों से बह रही थी और परनला रूप में बह रही थी, हैं। मैंने जाकर के पूछा भैया नंद बाबा का घर कहाँ पर है। किसने मेरे को परनला दिखा दिया, ये परनला जहाँ से बह रही है। मैंने कहा भैया मैं पूछ रहा हूँ नंद बाबा का घर कहाँ पर, तुम मेरे को ये परनला दिखा दी। सचमुच से उसको जब देखते देखते गए, देखा ब्रजवासी इतने रो रहे थे, कृष्ण विरह में इतने रो रहे थे, उनका जो आपका जो आंसू है ना परनला दिखी है। और कोयल तो बछड़ा तो दूध पीते नहीं, गैया घास नहीं खाते हैं, गोपियां तो बेहोश होकर पड़ी हुई, राधा रानी का तो होश है, राधा रानी होश नहीं। और मैंने वो विरह को देखा, देख करके ना मैंने कहा जरूर मैं कृष्ण को लेकर के आऊंगा, कृष्ण को मैं जरूर लेकर के आऊंगा। लेकिन अभी तक भी कृष्ण को जब बोलता हुए ना, कृष्ण ब्रजवासियों का दुख को सुनते हैं और थोड़ी समय के लिए रोते हैं। नहीं मैं जाऊंगा कल चुप, पता नहीं चलता ये क्यों जाना क्यों जाना नहीं चाहता। इसलिए मैंने बोल कर, अगर मैं दो बार गया ना, अगर मैं दो बार गया कृष्ण आएंगे, बल्कि झूठा
हैं, पहले बोल कर गया था लेकर के आएगा, अभी तक दल आया नहीं, बोले फिर लेकर के आएगा, इतना छूट मैं नहीं जाऊँगा। बोले दाऊ भैया को बोलो, दाऊ भैया चलता है, दाऊ बोले मैं भी नहीं जाऊँगा क्योंकि मैंने भी ब्रज में गया था। कृष्ण को बोलते बोलते थक गया, चलो चलो मैंने भी बहुत कोशिश की, सखाओं के साथ मैंने खेला खेला, नंद जसोदा की गोद में बैठ गया, उनको भी आनंद दिया और अपना गोपियों के साथ में प्रेम रास किया। लेकिन कृष्ण का जो गोपी थे ना, उनको उनको तो मैं आनंद दे नहीं सकता है, इसलिए मैंने बोल करके आया था कान्हा को लेकर, मैं आऊँगा ही, जरूर आऊँगा। लेकिन कृष्ण को जब जब बोलता हूँ, कृष्ण थोड़ी समय के लिए तो रोते ही, फिर भी जाना नहीं चाहते, इसलिए भैया मैं तो नहीं जाऊँगा। बोल तू जाएगा तो जाएगा, तो सुभद्रा बोली, सुभद्रा बोली मैं जाऊँगी, सुभद्रा बोली मैं, तू स्त्री है ना, स्त्री क्या होता है, स्त्री स्त्रियों के साथ में एक मिल जाती है, मैं स्त्री हूँ, मैं मैया की गोद में बैठ जाऊँगी, गोपियों के अंदर में चला जाऊँगा, गोपियों को समझाऊँगा, कृष्ण आने वाले हैं, कृष्णा आने वाले, इसलिए मैं चलूँगा। जब बोले सुभद्रा जब राजी हुई चलने के लिए, फिर तो आपको पता होगा पहले स्त्रियों को अकेले जाने नहीं देते हैं, बोले बहन को कैसे अकेले जाने, इसलिए क्या करे, बलदेव प्रभु बोले ठीक है, बहन ही है ना, बहन को अकेले किसी छोड़े चलते हैं, बहन के साथ में बहन के साथ में मैं चलूँगा, बहन के साथ में, इसलिए एक काम कर, तीन रथ बना, कितना रथ बना, तीन, मैं सबसे पहले बड़े भाई है ना, बड़े भाई मैं सबसे पहले चलूँगा, स्त्री बहन स्त्री है, उनका हम अलग नहीं रखेंगे, उसको बीच में रख लेंगे। और जब पीछे जब कृष्ण जगेगा, कीर्तन करने पर कृष्ण जब जगेगा, फिर क्या होगा, कृष्ण सबसे पीछे आएगा, छोटे भाई पीछे आएगा, और बीच में बहन रह जाएगी और सामने बड़े भाई रहेंगे, हैं दाऊ भाई रहेंगे। इतने में नारद जी ने क्या किया, बड़े सुंदर कीर्तन करना शुरू किया, बोले जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा शुरू किया। अब ये कीर्तन सुनते 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 धीरे 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 कृष्ण जो सो रहे थे ना ब्रज का विरह में, ब्रज की कीर्तन सुनते 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 धीरे धीरे कृष्ण जगे, कृष्ण धीरे धीरे जग करके जब जगे, वो सोच रहे थे मैं वृंदावन में, लेकिन अभी कृष्ण द्वारका में, वृंदावन में नहीं कृष्ण द्वारका में, इसलिए कृष्ण वृंदावन का भाव में जब जगे और जग करके कृष्ण दौड़ पड़े, कहाँ के लिए, वृंदावन के लिए दौड़ पड़ी। जब वृंदावन के लिए दौड़ पड़े, इतने में द्वारकावासियों ने कहा देखो हमें पता था अब यही करो, वृंदावन के लिए दौड़ रहे, देखो तुम अकेले नहीं जाओगे, पहले बलदेव प्रभु जाएंगे, बीच में सुभद्रा देवी जाएगी और तुम लास्ट में बैठोगे, इसलिए रथ में बैठ के चलना। और जब अभी कृष्णा एकदम वृंदावन भक्ति प्रेम की मदिरा पी करके, जैसे कि शराब पीता है ना, शराब पीने के अगर जैसे शराब पीता ऐसे ऐसे लुढ़कते लुढ़कते चलना है, शराब पीने वाले है ना, ऐसे ऐसे लुढ़कते शराब पीने वाले अंदर से इसलिए इसलिए फिर शराब। अभी जगन्नाथ जी गोपियों की राधा रानी के प्रेम रूपी शराब को पी लिया, प्रेम रूपी शराब को पिए, इसलिए जगन्नाथ जी आप देखना जगन्नाथ जी रथ यात्रा में जब जगन्नाथ जी को लाते हैं ना ऐसे ऐसे गिरते गिरते जगन्नाथ जी, और एक जगह पर जब खड़े हो जाता है ना, जितने उनको बिस्तर हो जाएगा नहीं, ऐसे ऐसे तो शराब जैसे ना पूरा ऐसे ऐसे एक जगह पे ऐसे कभी ऐसे
पूरा ऐसे करते करते जगन्नाथ जाते हैं, ऐसे करते करते जगन्नाथ जाते हैं और जा करके रथ में बैठा करके ले जाते हैं। कहाँ ले जाते? वृंदावन से ले जाते। इतने में राधा रानी कहते श्री राधा रानी वृंदावन में, राधा रानी कह रही है वृंदावन में, तो देखो ललित विशाखे मैं और ये प्राण धारण नहीं कर सकते, क्योंकि कृष्णा बोल करके गए थे आज मैं जा रहा हूँ, कल कंस को मार करके परसु आ जाऊंगा। इसलिए ब्रज में एक नाम है सी परसु, सी परसु मतलब कृष्णा बोल कर गए थे परसु में आ जाऊंगा, इसलिए उस गांव का नाम सी परसु नाम अभी भी सी परसु है। एक गांव का नाम बिजवारी, बिजवारी क्यों? जब कृष्णा बलराम जा रहे थे गोपियों को तो समझाए, सखाओं को तो समझाए, अभी राधा रानी को कैसे समझाए? राधा रानी रास्ता को बीच में लेट हुई थी और राधा रानी के शरीर से ऐसे ज्योति निखर रहा था, बिजवारी बिजली जैसी चमक रही थी राधा रानी। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदा बनेश्वरी, एकदम बिजली जैसे राधा रानी चमक रही थी शरीर की ज्योति से, चारी तरफ में एकदम उजला उजला हो रहा था, हैं उजला उजला हो रहा था। लेकिन राधा रानी को किसी तरह से समझाए, राधे कोई चिंता मत करो, मैं कल कलश को उधार करके परसों आ जाऊंगा। इसलिए गांव का नाम पड़ गया सी परसु, लेकिन परसु होकर बरसु मिल गया, लेकिन अभी तक वो मक्खन चोर नहीं आया। इसलिए राधा रानी कह रही हैं मैं तो बड़ी कष्ट से ये प्राण को धारण कर रहा हूँ, बड़े कष्ट से, और मैं प्राण धारण नहीं कर सकती, मैं प्राण त्याग करने जा रहा हूँ, प्राण को त्याग करने जा रहे हूँ। तो देखो ललित विशाखे ये काम करियो, मैं जब शरीर मेरी छूट जाएगी ना, मेरा शरीर पांच चीज से बनी हुई शरीर, मिट्टी वायु जल आकाश अग्नि। कहते इसमें जो मिट्टी है ना, इस मेरे शरीर में जो मिट्टी है, मिट्टी को लेकर कहाँ करोगे? कृष्ण जिस मैदान में, कृष्ण जिस आंगन में खेलते हैं, उसी आंगन में ये मिट्टी को वहीं छोड़ देना। कृष्ण जब खेलेंगे कम से कम कृष्ण का चरण का स्पर्श मिलेगा। मेरे शरीर में जो पानी है, मतलब पानी को कहाँ पर लेकर के छोड़ोगे? मतलब कृष्ण जिस तालाब में, नंदगांव पर, जहाँ पर हाँ मानस गंगा प्रेम सरोवर राधा कुंड श्याम कुंड और श्री यमुना नदी में कृष्ण जिसमें जल विहार करते हैं, कृष्ण जिसमें, वो उसी कुंड में छोड़ देना। कृष्ण जब तैरेंगे स्नान करेंगे, मैं कृष्ण का शरीर को स्पर्श करूँगा। मेरे शरीर में जो हवा, वो हवा को कहाँ पर छोड़ोगे? कहते हवा को लेकर के तुम कृष्ण जहाँ पर खेलते हैं सखाओं के साथ से, उसी हवा को ही छोड़ देना, कब तक कृष्ण का शरीर को मैं स्पर्श करूँ। और शरीर में जो अग्नि, मेरे शरीर में जो अग्नि, जो सूरज का जो चिरना पड़ता है जो अग्नि, कहते उसमें छोड़ देना कृष्ण शरीर को, ताप दूंगी। नहीं तो जो शीशा होता है ना, वो शीशा में छोड़ देना, कृष्ण जब मुँह देखेंगे उसमें अपना मुँह देखेंगे। हैं इतनी आप तेज भरूस वो, इसलिए मेरे शरीर में जो पांच चीज है, ये पांच चीज में निज ना भरने का बाद में भी कृष्ण सेवा में लगना चाहिए। मैं अभी प्राण त्याग दे रहा हूँ, वो प्राण त्याग देने जा रही थी, इसने में कृष्ण दौड़ दौड़ कर कृष्ण आए। कृष्ण जब रथ में बैठ करके आए, इतने में किसने राधा रानी के कान में बोलते बोलते, देखो राधे अपना शरीर को त्याग मत दिया करो, अपना शरीर को त्याग मत दो, कृष्ण आ गए, कृष्ण आ गए, कृष्ण आ गए। बोले हाँ कृष्ण आ गए, अभी प्राण त्याग मत दिया करो। कृष्ण आ गए, जब कृष्ण आ गए, जब राधा रानी को प्रेम को दिखा ना कृष्ण, ऐसे कृष्ण विरह में कैसे राधा रानी के शरीर में दिप्प उन्माद चित्र जल्प प्रजल्प अभिजल्प, जो प्रेम की जो लक्षण था, जो प्रेम का जो चिन्ह राधा जी के शरीर में, जब उन्होंने प्रेम को चिन्हों को देखा, क्या राधा जी के अंदर में जो दिप्प उन्माद, हाँ कैसे तरह तरह का अभिजल्प, उसको देख करके जो कृष्ण थे कि जो जगन्नाथ जी दर्शन कर रहे हैं, हाँ ये जो जगन्नाथ जी दर्शन कर रहे हो, ये कृष्ण ये राधा रानी के प्रेम को दर्शन करते 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 करते, ये जो कृष्ण ये जो जगन्नाथ जी रूप देख रहे हो, वो ऐसे हो जगन्नाथ जी की रूप ऐसे धारण कर लिया। और वहाँ पर बलदेव प्रभु भी थे, जब बलदेव प्रभु ने राधा रानी के प्रेम को दर्शन किया, दर्शन करते 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 जो बलदेव है ना, ये बलदेव का रूप ऐसे धारण कर लिया। और बीच में जो सुभद्रा देवी खड़ी है, जब वो भी जब कृष्ण कथा सुने, राधा रानी का प्रेम को दर्शन किया, वो भी राधा जी की प्रेम में धीरे 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 सुभद्रा
यही से बन गई। और जो सुदर्शन चक्र है वो भी धीरे 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 कृष्ण प्रेम में चक्र भी धीरे धीरे पिघलते हुए वो भी एक लकड़ी जैसे हो, वो भी ऐसे लकड़ी जैसे हो गई। अभी ये सब चीज को देख करके राधा रानी वो भी प्रेम में उन्होंने बोले इतने में ललिता विशाखा को बोले, हे ललिता विशाखा पहले मेरे को मत संभालो, पहले कृष्ण को संभालो, पहले तुम कृष्ण को संभालो, श्री बलदेव प्रभु को सुभद्रा को संभालो, क्योंकि देखो मेरे प्रेम में उनका रूप कैसे हो गया, धीरे 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 पिघलते पिघलते उनका स्वरूप कैसे हो गया, पहले उनको संभालो, पहले तुम उनको संभालो, फिर जाकर किसी तरह से उनको जाकर के संभाले। इसलिए कहते ये जो रूप है या क्या रूप है, कहते राधा रानी की प्रेम में, राधा रानी की प्रेम में द्रवीभूत होकर के ये इस सब के सब जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन ये जो रूप है तो उन्होंने ये रूप धारण किया। जब ये रूप धारण किया इतने में श्री नारद जी वहीं पर श्री नारद जी प्रकट होते हैं और नारद जी प्रकट होकर के बोले हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे जगन्नाथपुरी में यही रूप लेकर के आपकी सेवा पूजा होगी। अगर ये रूप में एक बार कोई दर्शन करे ना, ये कौन सा रूप है, राधा रानी के प्रेम की महिमा, राधा जी के प्रेम की ये महिमा रूप है। यदि ये रूप एक बार कोई दर्शन करेगा ना, जैसे दो बार संसार में जन्म मुक्त हो गया, संसार चिरकाल मुक्त होकर क्या करे, भगवान का धाम को प्राप्त करके वरदान करे। भगवान बोले ठीक है तथास्तु, ऐसे ही होगा, तथास्तु ऐसे ही होगा। इसलिए ये रूप दर्शन करने का विशेष महत्व है, रूप का दर्शन करने का। बोले क्यों, यदि ये रूप राधा जी की प्रेम में ये द्रवीभूत ही है, द्रवीभूत रूप श्री कृष्ण की, ठीक है ना। बोले श्री जय जगन्नाथ महाप्रभु की जय, श्री दाऊ भैया की जय, सुभद्रा देवी की जय, सुदर्शन चक्र की जय, पिताई गौर हरि 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 बोल की जय, गौर हरि हरि बोल।